जगदीश जी ये जो हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो हो जाएंगे आपके पास भी आ जाएंगे आप टेंशन मत लीजिए ठीक है हम इधर ही फोकस करते हैं हाँ अभी तक इधर नहीं आई तो स्लो की बड़ी सोच रखिए थोड़ी जगदीश जी आई डोंट नो आपको ये पब्लिक करना था या नहीं बट मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है जगदीश जी और हम लंच जब कर रहे थे तो साथ में बैठे थे तो उन्होंने मुझे पूछा था कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना करेक्ट सर सर मैं चाहती हूं कि अभी जो मैं बोल रही हूं वो आप रिपीट करिए बस रिपीट करना है और कुछ नहीं करना आपको वो तो कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के आराम से मैं कॉन्फिडेंट हूं बोलिए मैं जो चाहता हूं वो करता हूं आई एम द बेस्ट मैं बहुत खुश हूँ बोल पाते ना हम सब जन बोल पाए जगदीश जी को मैं खाली मिली पहले इसलिए मैंने उनको चुना वैसे मैं किसी को भी हो सकता है बोलने में कोई दिक्कत होती है जगदीश जी है? नहीं होती ना तो एक काम करते खड़े होके बोलते बोलते खड़े हो जाइए आराम से खड़े हो जाइए मैं कॉन्फिडेंट हूं मैं जो चाहता हूं वो करता हूं आई एम द बेस्ट मैं बहुत खुश हूं आराम से सर मैं चाहती हूँ आप यहां पर आ जाओ चप्पल वप्पल पहन के ऑडियंस की तरफ ऐसे घूम जाइए इधर ही खड़े रहिए आ जाइए मैं इधर ही हूँ, सर घूम जाएंगे बस मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूं मैं जो चाहता हूँ करता हूँ, मैं जो चाहता हूं करता हूं आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट और मैं बहुत खुश हूँ, और स्टेज so, पे आ जाइए <laughs> माइक दो मुझे एक और कहां गया यस सर वो माइक जगदीश ओके, बोलिए। अच्छा, मैं आपको कुछ नहीं पूछूंगी वेट वेट आप लोग मुझे बताइए पांच मिनट जगदीश जी वहां पर थे वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होंगे लेकिन जगदीश जी को आपने वहां पे देखा ब्रिलियंट ये अपने काम में ब्रिलियंट है ये हर चीज में ब्रिलियंट है ठीक है आपने उनको वहां देखा आपने पूरा प्रोसेस देखा और आप आपने उनको यहां पे आप मुझे बताइए क्या आपको इनमें कोई फर्क दिखा इन पांच मिनट में आप मुझे बताइए क्या फर्क दिखा आवाज बुलंद हो गई ओके okay. दूसरा क्या बदलाव देखा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया हाँ तो ओपन अप हो गए बॉडी लैंग्वेज बेटर हो गया और कुछ हिम्मत बढ़ गई मुस्कुराहट आ गई चलिए और भी होगा पर अभी तीन चार को फटाफट लेते हैं पहला मुझे बोला गया आवाज़ बुलंद हुई क्या मैंने बोला था आवाज़ को बुलंद करना है मैं आवाज़ बुलंद कर रहा हूं नहीं क्या मैंने बोला था बॉडी लैंग्वेज चेंज करना है नहीं बोला था क्या मैंने बोला था हिम्मत होनी चाहिए नहीं बोला था क्या मैंने बोला था मुस्कुरा के बोलना है नहीं बोला था ये सब तो अपने आप हुआ ना मैंने क्या बोलने को बोला था देखो, अभी भी बोल रहे सर आपको भी लग रहा होगा कुछ तो फर्क उधर से लेके यहाँ तक मैं। माइक पे सर मेरे को सुनाई दे रहा है। उधर हाँ। बैठा था ना उधर का बोलने का लैंग्वेज थोड़ा अलग था डाउन लेवल था दूसरी बार इधर आया ना थोड़ा बढ़ गया तीसरी बार इधर नया बढ़ गया अभी तो बढ़ गया <laughs> वो बोले तो बसवान यहाँ पड़ जाओ मैं ही कर लेता <laughs> क्या हुआ यहाँ पर इनके साथ सेम थिंग देखो यही साइकिल का मैं पचास एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको क्योंकि हर चीज में तो इन्वॉल्व है सर मिनट खड़े रह जाइए मैं बता देती बस फिर आप जा सकते हैं क्या हुआ सर के दिमाग में ये नहीं था कि मुझे स्टेज पे जाके बोलना है अगर मैं तुरंत बढ़ा दिया तो शायद हो जाता कि अरे ऐसे कैसे पर मैंने वो नहीं किया मैंने उनको बोला सिर्फ बोलो सोचो भी मत मैं उनको बोल जाती थी, थी मन में विजुलाइज करो कि आप स्टेज पर हो ये नहीं नहीं ये सब अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड ये स्टेप होता है सब जिसको बेसिक ए बी सी डी नहीं आती उसको आप बोल दो तो करो नहीं होता ठीक है बेसिक आप बोलो किसी ने बोला ही नहीं है कभी अब आप उसको बोलो विजुलाइज करने को अरे यार पहले बोलने तो दो मैंने उनको बोला कुछ मत करो खाली बैठो बोलो मैं कॉन्फिडेंट हूं बस मैं खुश हूं बोलो कंफर्टेबल बोलने में चलो चल खड़े होके थोड़ा बोलते हैं खड़ा होने का कारण सिर्फ था कि बॉडी का सेल जो होता है ना वो मूव करता है बॉडी मसल जब मूव करता है तो वो अंदर तक जाता है सोते सोते कितना भी बोल दो थोड़ा के बोलो जिम करते करते बोलो दौड़ते दौड़ते बोलो और ज्यादा जाएगा आप सुबह जो गाना सुनते हो ना जिम में अगर कोई जिम जाता होगा सुबह गाना जो सुनते हो ना जिम में पूरे दिन गुनगुनाते हो पूरे दिन गुनगुना क्यों क्योंकि जब वो सुन रहे थे ना पूरी बॉडी में वो गाना चला गया

ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस तो अपने आप हुआ वो मैंने नहीं किया ऑटोमेटिकली माइंड में गया माइंड ने ब्रेन को बोला ब्रेन ने बॉडी को बोला बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई आवाज तेज हो गई ये सब अपने आप हुआ है ये हमने नहीं किया हमने तो सिर्फ बोला मैं कॉन्फिडेंट हूं अच्छा अब चार पांच जितना बुला रहे बुलवा दो अब तो ये बड़े परफेक्ट है इट कुड बी एनी बडी थैंक यू सो मच सर थैंक यू राउंड ऑफ रोड थैंक यू हमें समझ पड़ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है हमने कोई हम चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन हम उसको ये बहुत बेसिक साइकोलॉजी है इसको अगर आप कोई साइकोलॉजी की किताब पढ़ता है किसने पढ़ा है तो ये फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट चैप्टर होता है सेकंड वो से, सेल्फ टॉक जिसे हम बोलते हैं मतलब मेरा ये मानना है कि ये चीज़ स्कूल में बच्चों को सिखानी चाहिए इट इज़ सच बेसिक जो नहीं सिखाई जाती है इसके आगे बहुत सारी चीज़ें आती है पर अगर हमारा हम हज़ार चीज़ें कर ले पर हमारा जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं वही नेगेटिव है तो कैसे बदलेंगे आप सबको शीट मिल गया